हे गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और ये देखिए मेरे लड्डू माधव कैसे बैठे हुए हैं मुंह लटका के, क्योंकि आज मैं सुबह पूजा जल नहीं करने आ पाई थी क्योंकि जल्दी। मम्मी पापा आज बाहर जा रहे थे तो मैंने पूजा नहीं कर पाई थी। पहले पापा जी ने ही लड्डू को उठा के और पूजा कर दी थी, तो वो लड्डू गोपाल को नहला नहीं पाते हैं। मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उन्होंने बस उठा के पूजा कर दी थी। तो फिर अब मैं अभी आई हूँ खाना बना के, तो फिर मैंने लड्डू को नहलाया, दोनों को अब रेडी करूँगी। पूजा के साथ साथ हमें घर के भी लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हम पूजा कर रहे हैं और घर के लोग बाहर जाना है तो वो ऐसे ही चले जाएं। हमें भगवान का भी ध्यान रखना है और घर के लोगों का भी ध्यान रखना है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पूजा करो जब टाइम मिले, जब पूजा करो अच्छे से करो, दिल से करो। तो फिर दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा लड्डू के लिए कुछ बना लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ले। वैसे तो मेरी सासू माँ ही रसगुल्ले वगैरह बनाती हैं, कोई भी स्वीट जो बनता है मम्मी बनाती हैं, मगर मैंने सोचा मम्मी बाहर गई हुई थी, सुबह ही चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं ही रसगुल्ले बना लूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने ये वाला पैकेट लिया था और मुझे सही से बनाना नहीं आता है, बट देखते हैं कैसी बनती हैं। मैंने एक पैकेट में 50 लोइयाँ कर ली थी। मैं लड्डू माधव के लिए ऐसे ही कुछ भी बनाती रहती हूँ। फिर ये है भगवान का तो एक नाम हो जाता है, बट खाते तो हम ही लोग हैं। पर एक बात ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ भी भगवान के लिए बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये भगवान का ही है और उसमें एक प्रसाद वाली फीलिंग आ जाती है। और जब हम सत्यनारायण की कथा होती है तो वहाँ पर जो पंजीरी मिलती है उसका कितना बेहद टेस्ट होता है ना। और मैं आगे नीचे देखी, मैं लड्डू के लिए बना के लाई हूँ रसगुल्ले, और ये देखिए मेरे कितने। बट मैंने जैसा सोचा था कि मैं पता नहीं रसगुल्ले बना पाऊंगी या नहीं, बट मेरे बन गए। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। और जो भी करते हैं तो अगर कुछ काम मन से करते हैं ना, वो काम ज़रूर होता है, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। और ये मैंने दो प्लेट में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो तुलसी दल डालते हैं वो हम अपना लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, और जो बाकी भगवान होती हैं वो बिना तुलसी दल के ही भोग ग्रहण करते हैं। और ये देखिए मेरी दुर्गा माँ है, इन्होंने जो लहंगा पहन रखा है वो मैंने ही बनाया था। मैं ज़्यादातर तो भगवान को अपने ही हाथों से बना के पहनाती हूँ। लड्डू के भी जो भी कपड़े पहनते हैं ना लड्डू मेरा जो भी, तो वो सारे कपड़े मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लाने को तो मैं मार्केट से भी ला सकती हूँ, मगर जो हम अपने हाथ से बना के पहनाते हैं ना, तो उससे जो खुशी मिलती है ना वो बहुत ही स्पेशल होती है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। फाइनली मैंने रसगुल्ले का लड्डू भोग लगा दिया, और ये लड्डू है मेरा, ये माधव है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको नाम क्लियर कर दिया था। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं भी औरों के जैसे आगे बढ़ पाऊँ। और ये मेरी गुरु जी हैं वृंदावन के, हाँ मेरे गुरु जी बोलते हैं राधा राधा जपो सारे दुख छुमंतर हो जाते हैं, राधा 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 राधा, जय।